नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण सीट के बारे में बात करेंगे, जिस सीट का नाम है नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट। लगातार 4 जून से ठीक पहले 4 जून यानी कि चुनावी रिजल्ट आने में मात्र आज से सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 ही दिन बाकी हैं, और उससे पहले लगातार टीवी चैनल, लगातार तमाम बड़े बड़े पत्रकार एग्जिट पोल लोकसभा सीटों का सामने रख रहे हैं। आज नगीना लोकसभा सीट का एग्जिट पोल हम आपके सामने रखेंगे। हम आपको बताएंगे कि नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़े भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद 4 जून को किस स्थिति में दिखाई देंगे। आखिर चंद्रशेखर आजाद किस हद तक नगीना लोकसभा सीट पर जीत का परचम लहरा सकते हैं। फिलहाल मेरा निवेदन है, आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज की इस वीडियो में जो भी बातें होंगी, जो भी हम आपको बताएंगे, वो सब कुछ तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होगा, इसीलिए आपको सब कुछ सटीक और सही जानकारी मिलने वाली है आज की इस वीडियो में। मेरा निवेदन है आप इस वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश करें, नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट सबसे ज़्यादा VVIP सीट में इस बार गिनती हुई, क्योंकि वहाँ से भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद बड़ी ही मजबूती से चुनाव लड़े। चंद्रशेखर आजाद की ही वजह से नगीना लोकसभा सीट पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही। अब 4 जून को परिणाम आने वाले हैं, 4 जून को क्या कुछ परिणाम रहेंगे, ये सब बात आपको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, नगीना लोकसभा सीट पर पहले ही चरण में मतदान हुआ। 19 अप्रैल को नगीना लोकसभा सीट पर मतदान हुआ। नगीना लोकसभा सीट की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। नगीना लोकसभा सीट में कितना प्रतिशत मतदान हुआ, ये भी जानना बेहद जरूरी है। बिजनौर में 0.21% मतदान हुआ और नगीना लोकसभा सीट पर 59.54% मतदान हुआ, 1% कुछ ही ज़्यादा नगीना लोकसभा सीट पर हुआ। जिला बिजनौर से बनी नगीना लोकसभा सीट इस समय चर्चा का विषय काफ़ी ज़्यादा बनी रही। बिजनौर लोकसभा सीट पर शुक्रवार को 58.21% मतदान हुआ। इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले बिजनौर लोकसभा सीट पर मतदान 7% कम हुआ। भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े। उन्होंने जिस हद तक मेहनत की, जिस हद तक उन पर मेहनत करी वो कर सकते थे, उस हद तक नगीना लोकसभा सीट पर भीम आर्मी के संस्थापक और उनके तमाम उन समर्थकों ने मेहनत की, जो चंद्रशेखर आजाद को नगीना लोकसभा सीट से सदन तक पहुंचाना चाहते हैं, सांसद बनता हुआ देखना चाहते हैं। फिलहाल नगीना लोकसभा सीट बिजनौर जिला से ही बनी एक लोकसभा सीट है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी भी बिजनौर नगीना से चुनाव लड़ चुकी हैं। 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद यह सीट 2009 लोकसभा चुनाव से पहले ही अस्तित्व में आई थी। 2009 लोकसभा चुनाव में नगीना संसदीय सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई, क्योंकि यहां पर सबसे ज़्यादा जो संख्या में मुस्लिम समाज है। 2014 में इस सीट पर भी मोदी लहर का असर दिखा और जीत भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP खाते में नगीना लोकसभा सीट चली गई। नगीना लोकसभा सीट पर जब 2019 में चुनाव हुआ, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, तो ये सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई, क्योंकि गिरीश चंद्र जाटव बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट थे और मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में वहाँ पर है, तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की वहाँ से जीत हुई। 2009 में सबसे पहला चुनाव नगीना लोकसभा सीट पर हुआ, और नगीना लोकसभा सीट का अगर आप रिकॉर्ड बनाएं तो ये नगीना लोकसभा सीट नई संसदीय सीटों में भी आती है। नगीना लोकसभा सीट का इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं है। 2009 में समाजवादी पार्टी जीती, 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीती और 2019 में बहुजन समाज पार्टी जीती। इस सीट पर 3 बार चुनाव हुआ और तीनों चुनाव में अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट मैदान में जीते। नगीना लोकसभा सीट की जनता जिस हद तक मुझे समझदार दिखी, उस हद तक किसी भी लोकसभा सीट की जनता मुझे समाधान नहीं देगी चुनाव प्रचार या चुनावी कवरेज के दौरान। मैं ये बात अपने आंकड़ों पर इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि नगीना सीट ने, नगीना लोकसभा सीट की जनता ने उस व्यक्ति को, हर उस सांसद को बदला है जिसने नगीना लोकसभा सीट की जनता को धोखा दिया है। अब इस बार भी नगीना लोकसभा सीट पूरी की पूरी तरह नगीना लोकसभा सीट की जनता
बदलाव के मूड में मुझे चुनावी कवरेज के दौरान दिखी। आपने भी लगातार मेरे चैनल पर ग्राउंड रिपोर्ट देखी होंगी। नगीना लोकसभा सीट पर भीम आर्मी की संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में माहौल बताने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि चंद्रशेखर आजाद की मेहनत को देखते हुए, चंद्रशेखर आजाद के पिछले संघर्ष को देखते हुए CANRC, हाथरस, रामपुर जैसी तमाम घटनाओं पर प्रमुख और मुखर होकर बोलने का तरीका देखते हुए मुस्लिम समाज और दलित समाज यानी कि अनुसूचित जाति और जो मुस्लिम समाज है उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को लगभग 80% एक तरफा वोट दिया है। 80% में भीम आर्मी की संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एग्जिट पोल में खड़े हैं और 20% में भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। अब 4 जून को ये देखने होगा कि जो आंकड़े अब तक निकल कर आ रहे हैं वो आंकड़े कहाँ तक सटीक बैठते हैं 4 जून को जब रिजल्ट आएगा। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में पूरा का पूरा नगीना लोकसभा सीट की जनता, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा और अगड़ा बढ़ चढ़कर चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में मतदान किया। बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट सुरेंद्र पाल काफ़ी ज़्यादा बड़े बुजुर्ग हैं, काफ़ी ज़्यादा आर्थिक स्थिति रूप से भी मजबूत रही हैं, तो वो चंद्रशेखर आजाद के सामने बिल्कुल भी टिकते हुए दिखाई नहीं दिए। वहीं मनोज कुमार एक पूर्व जज हैं और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो भी चंद्रशेखर आजाद के फेस और चंद्रशेखर आजाद का जो एक नाम है पूरे देश भर में उस नाम के आगे फीके पड़ते हुए दिखाई दे रहे। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट ओम कुमार 3 बार के विधायक हैं नेटोर विधानसभा से, वो भी चंद्रशेखर आजाद के टिक सामने नहीं टिक पाए क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, जिन समस्याओं पर चुनाव लड़ा, उन समस्याओं की बात किसी भी कैंडिडेट ने नगीना लोकसभा सीट पर नहीं की। इसीलिए हम दावा कर सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद 4 जून को नगीना लोकसभा सीट से जीतते हुए दिखाई हर एक उस व्यक्ति को देख रहे हैं जो राजनीति में कहीं ना कहीं एक्टिव है। चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से 4 जून को लगभग 99.9% जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने जो मेहनत की है उस मेहनत के आगे सभी कैंडिडेट फीके पड़ते हुए दिखाई देंगे। चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी एक एक गांव में लगभग 4-4, 5-5 बार गए और भीम आर्मी संस्था व चंद्रशेखर आजाद भी लगभग एक एक बार, दो दो बार हर एक गांव में घूमे, प्रचार किए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आजाद की नगीना लोकसभा सीट से जो एग्जिट पोल में साफ हुआ है वो जीत साफ हुई है। फिलहाल ये 4 जून को ये देखने हुआ कि एग्जिट पोल कितना सटीक बैठता है। फिलहाल आप भी अपनी राय कमेंट में देना, आप चंद्रशेखर आजाद को किस हद तक नगीना लोकसभा सीट पर जीतता हुआ देख रहे हैं।